जब भी आप बात करते हो इंपोर्ट की तो डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ये एक ऐसा ट्रेड है जहां वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, जैसे कि आइस गेट विच इज द सेंट्रलाइज कस्टम्स वेबसाइट, डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड विच लुक्स आफ्टर ऑल द ट्रेड पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन, सीबीआईसी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, बीआईएसएनई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और भी पता नहीं क्या क्या। इंडिया के मोर देन 200 पोर्ट्स में रोज कोई ना कोई ऑप्शन होता है इन इंपोर्टेड गुड्स। ये वही इंपोर्टेड गुड्स है जिनको लोग इंपोर्ट कर लेते हैं फिर क्लियर नहीं करा पाते ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इंडिया इज अ इंपोर्ट हेवी कंट्री, यानी हम लोग इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट वो सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर्स लेती है जिससे किसी तरह इस इंपोर्ट को कम किया जा सके। और उसमें से एक ये है कि डॉक्यूमेंटेशन को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट और हेवी कर दो कि लोग डर के मारे इंपोर्ट करना ही बंद कर दें। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल इंपोर्ट। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, पर्सनल इंपोर्ट एंड कमर्शियल इंपोर्ट। पहले बात करते हैं पर्सनल इंपोर्ट की। तो पर्सनल इंपोर्ट आखिर है क्या? देखिए, देयर इज नो प्रीडिफाइंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनल इंपोर्ट, बट एज पर माय एक्सपीरियंस जब भी आप कोई आइटम इंपोर्ट करते हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉट एक्सीडिंग अ क्वांटिटी ऑफ 3-4 आइटम्स कैन बी कॉल्ड एज अ पर्सनल इंपोर्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट पर्सनल कंजम्पशन के लिए इंपोर्ट करते हैं तो दो चीजों का ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट शुड नॉट फॉल अंडर द रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी अंडर एफटीपी ऑफ कस्टम एक्ट 1962, फॉर एग्जांपल नारकोटिक ड्रग्स, आर्म्स एंड एमिनेशन, फिल्म्स प्रिंटेड ऑप्शंस, कोई भी टीवी चीज है। इट शुड बी फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर कमर्शियल यूज। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी 4-5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट एट द एंड ऑफ द डे कस्टम ऑफिसर को ये लगना चाहिए ये जो प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया है पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही है, कमर्शियल रीसेलिंग के लिए नहीं। गुड्स अप टू 5,000 INR इज कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड, उससे ऊपर आपको 35-43% की कस्टम ड्यूटी लग सकती है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो पर्सनल इंपोर्ट के लिए आपको बस पैन और आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पर्सनल इंपोर्ट को जो है आप सिर्फ एयर मोड से इंपोर्ट कर सकते हैं, सी और लैंड मोड में इसकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी इंपोर्ट नहीं कर सकते आप। अब बात करते हैं कमर्शियल इंपोर्ट की। ऑन पेपर कमर्शियल इंपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आईसी कोड, जीएसटी, पैन, आधार, करंट अकाउंट, डिक्लेरेशन, रेमिटेंस प्रूफ। ये तो हो गई किताबी बातें, बट जब आप बात करते हैं ना इंपोर्ट बिजनेस की और एक सस्टेनेबल इंपोर्ट बिजनेस की, तो आपका किस टाइप का फर्म है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, वन कंपनी फर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, वन पार्टनरशिप फर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वन इट कम्स टू इंपोर्ट, सेटिंग अप अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंपोर्ट बिजनेस फर्म टाइप, मेरे हिसाब से और मेरी एक्सपीरियंस से अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड हो तो सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपेरेटिवली ज्यादा कंप्लाइंट और ट्रस्टवर्दी होता है अमॉन्ग कॉमन पीपल एंड अमॉन्ग कस्टम ऑफिसर ऑल्सो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये तो सारी बातें हो गई बेसिक डॉक्यूमेंट्स की। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको प्रोडक्ट वाइज लेने की जरूरत पड़ती है, और ये वही डॉक्यूमेंट्स जो सबसे ज्यादा दुख देते हैं किसी भी इंपोर्टर को। ये वो डॉक्यूमेंट्स जिनका प्रॉपरली अपडेट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए नहीं, इंपोर्ट करने के बाद कस्टम्स के साथ जंग लड़ने के लिए भी। इंडिया में इंपोर्ट को कम करने के लिए लाइसेंसेस और डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट का ब्रह्मास्त्र साबित हुए हैं अब तक, और ये लाइसेंसेस और डॉक्यूमेंट्स हैं BIS, WPC, EPR, लीगल मेट्रोलॉजी, CPCB लाइसेंस, ADC और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग लाइसेंस। आपको ये सभी लाइसेंसेस लेने की जरूरत नहीं होती, ये लाइसेंसेस प्रोडक्ट वाइज कैटेगराइज्ड हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए BIS, वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि ब्लूटूथ ईयरफोन्स, वाईफाई राउटर्स इंपोर्ट करने के लिए WPC, रेडी टू सेल आइटम गुड्स इंपोर्ट करने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी। अब आप पूछोगे कि कैसे पता करें कि कौन से प्रोडक्ट्स में कौन सा लाइसेंस है, जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करने का सोच रहे हो क्या उस पर कोई तरह का किसी तरह का कोई लाइसेंस लगने वाला है। उसके लिए आप लोगों को करना यह है कि जो भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करने की सोच रहे हो या इंपोर्ट करने वाले हो, उसका सबसे पहले आपको HS कोड पता करना है। HS कोड यानी हार्मनी सिस्टम कोड होता है, ये एक ऐसा कोड होता है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर हर कंट्री यूज करती है किसी भी प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने के लिए। और ये जो कोड है आपको कैसे पता लगेगा, सिंपली आपको जो भी प्रोडक्ट है उसको जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, कि जैसे कि लेदर प्रोडक्ट है तो लेदर वॉलेट HS कोड आपको पता लग जाएगा, आपको पता करना है कि वाईफाई राउटर HS कोड क्या है वो पता लग जाएगा। इतना भी आपको कंफ्यूज ना डर लग रहा है तो आप जिस सप्लायर से आप इंपोर्ट करने वाले हो, सप्लायर आपने अगर चूज कर लिया है तो उस सप्लायर को पूछो जो ये जो प्रोडक्ट आप मेरे को भेज रहे हो इसका क्या HS कोड डालते हो आप, तो वो जो HS कोड बोलेगा वो इंडिया का HS कोड बिल्कुल सेम होता है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे HS कोड हमेशा सेम रहता है। HS कोड में 8 डिजिट तक होते हैं, जो पहले के 2 डिजिट हैं वो हमेशा ही सेम रहते हैं। फर्दर जो सब कैटेगरीज होते हैं, सब कैटेगरीज में HS कोड कभी कभी अलग हो जाता है, तो उसको देखने के लिए आप बहुत इजीली वहाँ से HS कोड मिला गूगल पे टाइप करो, क्रॉस चेक करो, पता लग जाएगा कि आपका HS कोड क्या है। अब आपको क्या करना है, HS कोड आपको पता लग गया तो आप लोगों को जाना है आइस गेट, जो कि कस्टम्स की सेंट्रलाइज वेबसाइट है इंडिया में, वहाँ पे जाके आप लोगों को जाना है कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर में। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर में जाने के बाद आपको जाना है ट्रेड गाइड्स ऑन इम्पोर्ट, यहाँ पे अपना HS कोड डालना है। देखिए, जैसे ही आप अपना HS कोड डालेंगे 4 डिजिट का, तो यहाँ पे आप वो पूरी की पूरी चैप्टर की लिस्ट खुल जाएगी। इंडियन कस्टम्स में 99 चैप्टर्स हैं, और 99 चैप्टर्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। तो आप लोगों को यहाँ जाना है, अपने प्रोडक्ट का जो एग्जैक्टली मिलता जुलता जो भी है आपका उसको चूज करना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे यहाँ पे जो ये दिख रहा है कंपलसरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, इस चीज़ को चेक करना है। यहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों के प्रोडक्ट में कोई अलग तरह का लाइसेंस लेने की ज़रूरत है।
क्या किसी अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने की ज़रूरत है इंडिया में लाने से पहले? और हाँ, ये जो भी लाइसेंसेज होते हैं ये आप लोगों को उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने से पहले अप्लाई करना होता है, इंपोर्ट करने के बाद नहीं अप्लाई कर सकते। इंडियन ग्राउंड में वो आने से पहले, इंडियन सॉइल पे आने से पहले वो लाइसेंस आपके पास रेडी होना चाहिए। और ये जो किस तरह से लाइसेंसेस को चेक करते हैं इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपको देखना है तो मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको कार्ड में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्रोडक्ट ये पता लग जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा लाइसेंस है। ये वो लाइसेंसेस हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा इन्हीं लाइसेंसेस की कमी से, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की कमी से इंपोर्टेड गुड्स जो है कस्टम्स में अटक जाते हैं, फिर उनका ऑक्शन होता है। और आप लोगों ने मेरे ऑक्शन के वीडियोस में देखा ही है, जो 99% ऑक्शन होते हैं वो इन्हीं इंपोर्टेड गुड्स के होते हैं। कई बार क्या होता है कि ये लाइसेंसेज होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट ट्रैक करना चाहती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडिया में कितना इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको पर शिपमेंट में वो इंपोर्ट जो है कितना हो रहा है उसको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कि स्टील का कोई भी आप आइटम इंपोर्ट करेंगे तो सिम्स करके एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप लोगों को पहले से डिक्लेरेशन फिल करना पड़ता है, वहां से नंबर अप्लाई करना पड़ता है कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर शिपमेंट आ रही है, उसमें इतनी क्वांटिटी है, ये है, मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो, वो 30 दिन पहले आपको करना होता है। तो लाइसेंसेज और ये जो रजिस्ट्रेशंस हैं ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल इंपोर्ट। जनरल इंपोर्ट के लिए आप लोगों का आईसी पैन, जीएसटी, आधार, रेमिटेंस प्रूफ, करंट अकाउंट से आपका काम हो जाएगा। बट तब भी आप, मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कोई भी आइटम इंपोर्ट करने से पहले कमर्शियल लेवल पे आप जाके एक बारी आइसगेट में इस वाले जगह पे आप जरूर सर्च कर ले कंप्लायंस पोर्टल में कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर के अंदर, वहां पे आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि इस आइटम को पर्टिकुलर इंपोर्ट करने से पहले आप लोगों को कहीं पे अलग से डिक्लेरेशन फिल करने की जरूरत है कि नहीं है। आई होप कि आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड इंपोर्ट के मामले में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट देना चाहूंगा, आईसी पैन, जीएसटी, रेमिटेंस प्रूफ, बैंक अकाउंट, डिक्लेरेशन वगैरह जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा भी भैया जहां जहां हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन करा लो, फिर चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, फिर चाहे आप एमएसएमई हो, फिर चाहे आप कोई ग्रुप्स हो, आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे अपैरल का अपैरल इंडिया हो गया या अपैरल के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन करा लो। क्योंकि भैया इंपोर्ट के मामले में जितने ज़्यादा कागज आपको आपके पास होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको जो है कस्टम ऑफिसर की तरफ से इज्जत मिलेगी, कस्टम्स की तरफ से आपको इज्जत मिलेगी। अपने ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस से ये बात कह रहा हूँ आपको, उतने ही ईजिली आपका प्रोडक्ट जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कस्टम ऑफिसर को लगेगा कि भैया लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये कोई चोरी नहीं कर रहा है, कोई भी कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए एक बार इंपोर्ट करके किसी और प्रोडक्ट पर स्विच नहीं करेगा, ये इसका लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तो जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लो, जिस जिस ग्रुप में घुस सकते हो, जिस जिस जहाँ जहाँ का सर्टिफिकेट ले सकते हो ले लो, और इंपोर्ट करने के बाद उसको फाइल में लगा दो, अपने सीएचए को दे दो। तो ये वीडियो था इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, आप लोगों को इन डिटेल वीडियो मैंने बता दी, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।